हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरी आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में यूसी लाइव पे। और आशा कर रहा हूँ कि आप सब अपने जो तैयारी कर रहे हो वो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, है ना। हमने 7 जुलाई का पेपर यहाँ पे शुरू कर दिया था शिफ्ट वन, तो अभी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन शिफ्ट वन की खत्म करें और शिफ्ट टू को हम आज यहीं पर स्टार्ट कर सके, है ना। तबीयत थोड़ी सी खराब है तो आवाज़ थोड़ा सा आपको डाउन लग सकता है, बट ओवरऑल कोशिश करेंगे जो हमारा ये एक कॉन्टिन्यूटी चल रही है उसको ब्रेक ना करें, और जितने ज्यादा क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम वो क्वेश्चंस करते चले, ठीक है। अगेन अबाउट मी पेज में आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। आप उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो और, है ना, अपनी जो तैयारी है अपने एग्जाम्स के लिए और बेटर एंड बिगर कर पाओ। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था और यहाँ पे हमें पूछा गया था कि आफ्टर इंटरचेंजिंग दो साइन किसको इंटरचेंज करें ताकि जो इनका पूरा सॉल्व करके है वो वैल्यू 35 बन जाए, ठीक है। अब जब मेरे को इसको इंटरचेंज का देखना है मेरे बच्चे, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि क्या डिवाइड का रूल यहाँ पे सही है। आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे बच्चे 3 को 529 से डिवाइड कर दो तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ऑल्दो ये 23 से कट रहा है ना। 23 2 46 और ये 3 से कट रहा है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी 3 डिवाइडेड बाय 539 गुना 23। तो और 23 तो प्राइम नंबर है तो ये आगे सॉल्व ना हो पाता, दिक्कत होती। तो एक्चुअली मुझे यहां से हिंट भी पता लग गई कि यहां पे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा, कि जब वो मुझे पता है कि उसको डिवाइड कर रहा है, इतना बड़ा नंबर भी है तो 35 भी खुद ही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाए यहाँ पे डिवाइड, यानी 13 प्लस 91 माइनस 3 इंटू 529 डिवाइडेड बाय 23। 23 से जब मैंने चेक किया तो ये 23 टाइम्स गया, उसी का स्क्वायर है। 3 इंटू 23 69 हो गया, तो 13 प्लस 91 माइनस 69 अगेन 104 में से 69 जब आप घटाओगे तो ये आपका 35 आंसर आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही भी बैठा। तो कई बार वो नंबर ही इतना इजी दे देता है कि आप सिंपली वहां से पिक कर सकते हो, बता सकते हो कि यही चीज तो करनी थी, इसमें क्या ही टेंशन है, ठीक है ना। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है जी, कि 8 लोग हैं एक वर्गाकार पेज के चारों ओर केंद्र की ओर, एक मिनट है ना, क्योंकि अगर केंद्र की ओर बनाना है और वो भी बनाना है तो थोड़ा सा हम इसके साइड बड़ी ले लेते हैं ऐसे, है ना, ठीक है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे परेशान मत होना, ये आप इक्वल ही मान के चल सकते हो, ठीक है ना। स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, 4 आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 कॉर्नर पे है, ठीक है, एंड 4 इन द मिडल, तो 4 कॉर्नर पे है कुछ ऐसे और 4 जो है मिडल पे है, ठीक है ना। कॉर्नर सबको पता है और मिडल सबको पता है, और मैंने एरो बना दिया ताकि उसने कहा है कि अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, डी सिटिंग एट वन साइड एंड ऑपोजिट टू के। अब डी कोई एक साइड पे है और के ऑपोजिट है, तो डी को यहाँ पे ले लो, के ऑपोजिट मतलब विपरीत यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। जी सिटिंग एट अ कॉर्नर एंड इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो जी एक कॉर्नर पे है और डी के राइट पे है तो यहीं पे आएगा, और तो कोई जगह बची ही नहीं, ठीक है। डी द इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड जी, डी जो है वो ई और जी का इमीडिएट नेबर है, यानी डी पड़ोसी है ई और जी का, तो ई भैया यहाँ पे आ जाएंगे। अभी ये बताना है ऑपोजिट टू, सॉरी ऑपोजिट टू आई, एक्चुअली खराश थोड़ी सी ज्यादा हो रही है तो मैं पॉज लिया, ठीक है ना। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड जी, तो यहाँ पे आ गया। जो आपका जी सिटिंग एट अ कॉर्नर है ये भी हमने कर लिया, डी इज इमीडिएट नेबर हो गया। आई इज नॉट नेबर ऑफ एच, आई जो है एच का नेबर नहीं है। एफ इज एट वन साइड एंड ऑपोजिट टू एच, ठीक है, आई जो है वो एच का नेबर नहीं होगा। एफ इज एट वन साइड एंड ऑपोजिट टू एच, तो अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ मेरे बच्चे, तो एच यहाँ पे आ जाएगा, एक बार चेक करो।
आई जो है वो एच का नेबर नहीं है, तो ये जगह रह गई, और हमको डायगनली ऑपोजिट ऑफ आई पूछा है, तो आई के डायगनली ऑपोजिट यानी इसके बिल्कुल सामने वाली साइड, तो ये पर्सन आ गया, दैट इज ई, तो ये करेक्ट हो जाएगा, और तो कोई यहाँ पे सिचुएशन लगना ही नहीं। अगर हम दूसरे वाला केस बना के देखें उसमें कैसे होगा एक बार वो भी चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो मैंने एक रैंडम केस पिक किया था, उसमें क्या था कि डी इधर, एफ ई इधर, जी इधर, के इधर, एफ एक साइड पे है और एच के सामने बैठा है, ऐसे आई यहाँ पे आएगा, आई के ऑपोजिट जी, पर यहाँ पे जी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये वाला केस तो वो नहीं चाह रहा कि आप मार्क करो, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, छह व्यक्ति ए बी सी डी और एफ एक आयतकार मेज के चारों ओर बैठे, रेक्टेंगुलर मेज है, अगेन इसके चारों ओर छह लोग बैठे हैं, अंदर की तरफ मुंह कर रखा है, ठीक है, प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति बैठा है, तो जो छोटी भुजा है उस पर एक व्यक्ति बैठा है यानी ऐसे, और बड़ी वाले पे दो बैठे हुए यानी ऐसे, ठीक है ना, कोनों पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, सी और एफ एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो सी और एफ एक साथ होंगे, बी ए के सामने बैठा है, ठीक है, हमें पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, और अगर मैं ये पढ़ रहा हूं मुझे साथ के साथ ये दिखता है ए डी के बाई और दूसरे स्थान है, ए सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी ए जो है अगर डी सपोज करो यहाँ बैठा है तो उसके सेकेंड लेफ्ट पे है एक लड़का और है और फिर ए होगा, तो क्या मुझे इससे ही नहीं पता लग गया कि इन दोनों के बीच में एक ही लोग बैठा है या इन लोगों के बीच में चार लोग होंगे, है ना, कि सपोज करो ए यहाँ पे आ रहा है घूम फिर के, डी यहाँ पे आ रहा है, एक बार चेक कर लो, अगर इस अकॉर्डिंग हम बनाए तो कुछ ऐसे ही बनेगा, अब वो कहीं भी हो सकता है कि डी भैया इधर भी आ सकते हैं तो ए भैया इधर भी आएंगे, कुछ भी केस हो डी और ए के बीच में तो हमेशा या एक लोग या चार लोग ही होंगे ना, या इनफैक्ट तीन लोग होंगे क्योंकि तीन तो एक खुद हो गए, तो हमको यही बताना होगा कि अगर वो एक साइड से पूछ रहा है तो इनके बीच में वन ही आंसर पूछ रहा होगा, क्योंकि अगर वो दूसरी साइड से जाने की बात करता तो फिर तो सिचुएशन ही अलग हो जाती है ना, तो बिटवीन ए एंड डी मेरे ख्याल से वो यहीं से आप पिक कर सकते हो, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो अगर ये सेकंड लेफ्ट पे है तो इनके बीच में एक पर्सन है, हम एक काम करते हैं इसको पूरा भी बना के देख ही लेते हैं, है ना, चलो अगेन वेरी सॉरी, है ना, थोड़ा सा वॉइस आज आप एडजस्ट कर लीजिए, है ना, वैसे 3-4 दिन हो गए, मोस्ट प्रोबेबली कल तक ठीक हो जाएगा, बट या चलो, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटे कि एफ और सी साथ साथ बैठे हैं, बी इज ऑपोजिट टू ए, अब देखो बी इज ऑपोजिट टू ए, सी और एफ साथ साथ बैठे हैं, और ये हमको गिवन है कि एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है, तो एफ अगर चाहे इन दोनों में कहीं लो और वैसे भी लो तो उससे आपको यही रिलेट करना पड़ेगा, सपोज करो सी और एफ को इधर ले लेते हो, ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो बी भैया को इधर लेंगे, ठीक है, और हमको क्या कह रहा था, बी सिटिंग ऑपोजिट टू ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो अगर हम लेफ्ट की बात करेंगे तो कोई जगह बची ही नहीं क्योंकि यहाँ तो ये एफ के अकॉर्डिंग हो गया, अब मैं इसी चीज को क्या ऐसे बना सकता हूँ, रोल रिवर्स कर सकता हूँ कि अगर सी और एफ यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं एफ और सी का पोजीशन चेंज कर दो, एफ और सी की पोजीशन चेंज कर दो, बाकी सबको सेम रहे कुछ ऐसे, तो एफ इधर सी इधर, बी भैया इधर ए भैया इधर, और ये सेकंड टू द लेफ्ट, तो डी इधर भी आ जाएगा, और हमारा जो भी एक पर्सन रह गया वो आप इधर पोजिशन कर सकते हो, है ना, ई, तो यहां से भी आप देखोगे तो ए और डी के बीच में कौन आ रहा है, एक ही पर्सन आ रहा है ई, वैसे तो इधर से ये तीन लोग भी आ सकते थे बट वो शायद यही पूछना चाह रहा था, है ना, या ऑप्शन इसको देना चाहिए था 1 और 3, क्योंकि अगर हम उस ऑर्डर में जाएं तो तीन भी आंसर हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, चले आगे।
क्वेश्चन नंबर 12 कि 34 12, देखो एक तो तरीका है कि आप इसमें इनका डिफरेंस देखो कि 34 से 12, क्योंकि जिस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे थे, बट अगर किसी चीज में से घटा के 15 लाना है, और अगर मैं यहाँ पे देखो कि कितना 22 कम हुआ, यहाँ पे कितना कम हुआ, यहाँ पे 12 कम हुआ, तो कोई एक चीज तो नहीं हो रही। अब मेरे बच्चे, एक चीज जो मुझे एकदम से देखते ही समझ में आ गई थी कि 3 और 4 से 12, तो 3 गुना 4 होता है 12, है ना। 2 और 8 से 16, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 8 मल्टीप्लाई होके बन गए 16। अब किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि 15 बन जाए, तो 2 और 6 नहीं, 2 और 4 नहीं, 3 और 2 नहीं, 3 और 5। तो इनका डिजिटल प्रोडक्ट, ये चीज तो हमने बहुत बार पढ़ी है ना, डिजिटल प्रोडक्ट से यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जी, आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग। तो एक कोई गलत गिवन है, हमको वो बताना है कि वो कौन सा होगा। तो 14 21, तो अगर आप यहाँ पे चेक करने का देखो तो 14 21 63 378, तो 21 से 63 गुना 3, ये तो बहुत इजीली दिख रहा है। और 3 से अगर मैं इसकी बात करूं, कम से कम 6 गुना ये यहाँ पे जाता ही है ना, 360 और 18, तो ये भी जा रहा है into 3, एक बार चेक कर लो। अगर 14 से 21 देखो तो ये 1.5 गुना भी है इसका, यानी जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो डबल होता जा रहा है। पहले 1.5 गुना हुआ, फिर 3 गुना, 6 गुना, तो अब 12 गुना होना था। और यूनिट डिजिट से चेक कर लो, 8 और 2, यहाँ पे 6 आना था, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका रॉन्ग टर्म हो गया। 378 into 12 करना था, ठीक है। यूनिट डिजिट से अगेन पता लग गया 6 चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, ठीक है। तो ये हमारा जो है रॉन्ग टर्म हो गया, नॉट बिलोंग टू द सीरीज हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अगेन यहाँ पे एक पेपर है, इसको पहले हाफ से फोल्ड किया, फिर ये क्वार्टर फोल्ड किया, अब इसको ओपन करेंगे तो ये सिंपली कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा, और ये सेम शेप इस तरफ, सेम शेप इस तरफ, और ये कुछ इस प्रकार बनेगी, जो कि इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मिरर इमेज फाइंड करनी है। अगेन आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये जो हाथ है ये इधर से आके इधर सबसे पहले यही चीज दिखेगी लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे आ रही है तो आंसर नहीं हो सकता, इसमें भी राइट साइड पे आ रही है तो आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में अभी क्या चीज का डिफरेंस आ रहा है, हम वो चेक कर लें। जो ये वाला हाथ था ना, देखो इसके साथ ही ब्लैक वाला पोर्शन है, यानी ये जो हाथ है इसके साथ ही ब्लैक वाला पोर्शन होना चाहिए। जैसे ये हाथ है, जो ये हाथ है इसके बिल्कुल नीचे, हमें ऊपर वाला, इसमें मैंने एरो बनाया ना, ऐसे ही ऊपर आना चाहिए था जैसे ये इसमें आ रहा है। ठीक है, जैसे ये इसमें आ रहा है, तो दैट इज, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी, पोकर का कोड ये है, फैंड्स का कोड ये है, तो ये बताना है। अगेन अगर पोकर का हमको कोड गिवन है जी, तो वो एक बार अगर हम रिलेट कर लें ऐसे INTX के, तो क्या ये ऐसे रिलेट हो जाएगा कि 16 से 9, तो -7 हुआ। अगेन 15 से 8, -7 हुआ। अगेन 11 से 4, तो -7 हुआ। ये 5 से 24, अगेन 5 को हम 26 प्लस 5 31 लिख सकते हैं, 31 से 24, तो -7, और अगेन इसमें भी 18 से 11, -7, तो सब में -7 ही हुआ है। आगे एफ का भी चाहे आप करके देख लो, ए से भी करके देख लो, एन से भी करके देख लो, तो सब में -7 ही हो रहा है। तो अगर मेरे को ये चेक करना है, AQBCG, तो अगेन 7 में से 7 जाएगा Z, अगेन 3 है ना, तो 3 में 26 ऐड कर दो, 29, इसमें से 7 जाएंगे तो 22, तो यहाँ पे V आएगा, V होता है 22,
अगेन वी जेड जब मैंने निकाला तो मेरे ये दो ऑप्शन बस रह गए, और इसमें अगर मैं -7 करूंगा ये 17 में से 7 जाएंगे 10, दैट इज जे, तो के वाला कैंसिल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि आरओपी इज रिलेटेड टू एनएमपी, और ये आपको बताना है। तो आर से एन अगर मैं बात करूं 18 से 14 तो -4, ओ से 15, 15 से 13 मतलब -2, और ये सेम रहा तो यानी -4 -2 और +0 कह लो, -0 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको चेक करने का देखूं कहीं पे, तो 20 से -4 नहीं हो रहा, 13 से 5 नहीं हो रहा, 3 से 4 नहीं हो रहा, और 12 से 12 कहीं भी नहीं हो रहा, यानी जो हमने ये सोचा वो अप्लाई नहीं हुआ, तो इसमें कुछ और चीज होगी, इतना सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भैया ये 16 और ये 14 कहीं ये ऐसे तो नहीं कि ऐसे जा रहा है और 2 कम हो गया, ये 15 और ये 13 कहीं यहाँ पे -2 हो गया, ये 18 और ये 16 ये -2 हो गया, तो ऐसे भी तो हो सकता है -2 हो रहे हो और ऑर्डर चेंज हो रहा हो। जैसे अगर मैं टी से बात करूं तो टी में से 2 कम होएंगे और वो आखिरी में जाना चाहिए, बट इसमें तो प्लस हो रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। 13 में से 2 घटाओ तो 11 आएगा, 21 में से 2 घटाओ तो 19 आएगा, और जी में से ई हटाओगे तो 2 अगेन आपका वो -2 का डिफरेंस दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं तो इन सब में -2 हो रहा है, 13 में से 2 गए 11, 21 में से अगेन 2 गए 19, और 7 में से 2 गए 5, तो ये यहाँ पे रिलेट हो गया, ये आपका सही आंसर भी है। क्या ये बात समझ में आई, ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हु आर यू इज रिटन एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर डेंजरस। ठीक है, अगेन अगर मेरे को डेंजरस का कोड चाहिए, जैसे हु आर यू है, इसमें डेंजरस तो नहीं है, तो सूर्य निक आ रहा है, तो सू और निक तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डेंजरस हमको चाहिए और वो यहाँ पे जो कोड वर्ड आ रहे हैं दो वो नीचे ऑप्शन में, और डेंजरस शब्द तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब दे आर डेंजरस में डेंजरस है तो वर्ड कौन सा आ रहा है, पी निक जी, यानी पी और जी में से ही कोई आंसर है, निक भी नहीं है। अब पी वर्ड जो पी आई है, पाई वर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा है, पर इसमें डेंजरस वर्ड नहीं है, उसका कोड तो है पर डेंजरस वर्ड नहीं है, तो मतलब डेंजरस का वर्ड भी पी से रिलेट नहीं करता, इसी से करेगा, और यही आपका आंसर है, क्योंकि अगर डेंजरस से रिलेट करता तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता। क्या ये बात समझ में आई, ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है, इजी है, हो जाएगा। चलो 19, 19 एनालॉगी का बहुत ही आसान सा सवाल था, जहाँ ये बताया गया कि पिच पे क्रिकेट खेलते हैं, कोर्ट में बैडमिंटन खेलते हैं, तो रिंग में आपकी बॉक्सिंग होगी, है ना? ये नहीं कि सर रिंग में तो हम रेसलिंग भी कर रहे हैं, वो रेसलिंग के लिए पूरा मैट पे आप खेलते हो, रिंग में बॉक्सिंग होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। ठीक है, आसान था ये भी, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द गिवन ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, तो कहाँ पे ये फोटो छुपी हुई है, अगर आप ढूंढने को जाओगे तो आपको कुछ ये यहाँ पे दिख रही है मेरे ख्याल से, और ये आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप मार्क कर दोगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 21, 21 सिलॉजिज्म का सवाल है, अगेन जहाँ पे गिवन है ऑल एक्स आर बी, सारे एक्स जो है वो बी है, नो सी इज एक्स, कोई भी सी जो है वो एक्स नहीं है, सम बी आर नॉट सी, तो ये बी के तो ये वाला हिस्सा है, ये तो सी कभी भी नहीं हो सकता, तो ये पॉइंट तो सही है, अगर ये पॉइंट सही है तो ये गलत और ये ऑप्शन गलत, है ना? ऑल सी आर बी, कोई भी कभी भी सारे सी कभी भी बी नहीं हो सकते, तो ये भी कैंसिल हो गया, टू कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन भी गई, तो
ये तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन इससे हमें पता लग गया ऑप्शन नंबर वन ओनली कंक्लूजन वन या केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ठीक है चले आगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमें क्या बताना है? अभी ये सेम क्वेश्चन किया था कोडिंग डिकोडिंग का, कोड भाषा वाला। टॉप का कोड बताना है, अगेन रैंडम बॉयज टॉक में 83P आ रहा है, 83P आ रहा है। ठीक है, यानी जो टॉक शब्द है या तो 8 आएगा या 3 आएगा या पी आएगा, तो 2 तो नहीं आ सकता। टॉक टू मच गर्ल्स, अगेन टॉक और टॉक इन दोनों में कॉमन आ गया, और कोई शब्द कॉमन नहीं है। यानी अगर शब्द कॉमन आया तो जो इसका हमने कोड बनाया होगा वो भी कॉमन होगा। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो क्या चीज कॉमन आएगी? दैट इज लेटर नंबर 3। लेटर नंबर 3, और 3 जब आपका आंसर आया तो ऑप्शन नंबर 3 मत मार्क कर देना, लेटर नंबर 3 आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23। 23rd क्या कह रहा है जी? सीरीज का सवाल है जहाँ पे अगला आपको ढूंढना है। अगेन बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे बी 2, ये 6, ये 10, ये 14। तो नेक्स्ट आपको बताना है 18 प्लस 4 हो रहा है ना सब में, चेक कर लो। चाहे 2, 6, 10, 14, 18। 18 र मतलब र की आवाज, और आर वैसे भी सब में कॉमन है। ठीक है, 15, 11, 7, 3, अगेन इन सब में -4 हो रहा है, तो अगले में -4 हुआ। अब 3 में से -4, 3 मतलब 29 में से -4 25, 25 का मतलब y, तो यानी ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अगेन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 14, 18, 22, 26, तो +4 हो रहा है, तो यहाँ पे d, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है ना। और ये आप चेक कर रहे हो तो ये फिर -4, तो 18 में से -4 करोगे 14, यानी n। तो एक बार +4 -4 फिर +4 फिर -4, इसी प्रकार से ये सीरीज जो है चलती जा रही थी, और आप इसको आराम से कर सकते थे। ठीक है, ना थोड़ा सा गले का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से तो बोलती बिल्कुल बंद थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि आपकी क्लास है ना कैंसिल करनी पड़े। तो तभी थोड़ा सा लो टोन में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच बीच में पॉजेज ले रहा हूँ, बट आई वॉन्ट की कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, है ना। बहुत ईजी है कि चलो छोड़ो आज क्लास नहीं करते, है ना, बट अगेन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये कनेक्शन बना रहे, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलो अगेन, अगर दिल्ली का हमको यहाँ पे कोड गिवन था मेरे बच्चे, आप अगर रिलेट कर पाओ कि CDKGH, तो D से C क्या ये -1 हुआ, E से D क्या ये भी -1 हुआ, L से K ये भी -1 हुआ, 8 से 7 ये भी -1 हुआ, और 9 से 8 ये भी -1 हुआ, यानी सब में -1 ही हो रहा है। अगले में चेक कर लो, एन से एम बन रहा है, ई से डी बन रहा है, चेक कर लो ना इन सब में। ये यहाँ पे हिंदी वाले में दिखा देता हूँ, आर से क्यू, तो ये भी सब में -1 ही हो रहा है। तो अगर हमको मिलियन का कोड पूछा है, ठीक है, तो अगेन एम से पहले आपका एल, 9 से पहले आपका एच, अगेन एल से पहले के, एल एच के आपका एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, और ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि 16 से 13, तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 कम हुए इन दोनों में? तो यहाँ पे अगर 6 है तो 3 कम होंगे, तो सी आ जाएगा। ये 22, ये 17, 22 से 17 जाने में 5 कम हुए, तो अगर ये 2 है, 2 मतलब 26 प्लस 2 28 भी लिख सकते हैं, 28 में से 5 कम होंगे तो 23, 23 का मतलब होता है W,
तो सी डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपको करना था। बहुत बच्चे ऐसे रिवर्स कोडिंग के चक्कर में जल्दी में गलत भी कर देते हैं, कि सुने हुआ होता है ना डी डब्ल्यू सी एक्स की रिवर्स कोडिंग ही होगी, पर ऐसा नहीं है, सिंपली प्लस माइनस है, कोई उससे ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये शिफ्ट वन है ना समाप्त होता है 7 तारीख का। शिफ्ट टू का हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बाकी अगेन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे अगली शिफ्ट उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो कुछ इजी क्वेश्चंस ये हैं अभी, तो पहला दूसरा तो तीसरा में शायद कुछ हो जाए, नहीं तो हमारे लिए तो सभी आसान है, जब हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी मेहनत से कर रहे हैं तो सबके लिए ये आसान लगेगा, है ना। तो मिरर इमेज अगर बताना है मेरे बच्चे अगेन, तो इसको आप शीशे में देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल जू का तो ऐसे ही दिखेगा, इसमें पता नहीं क्या बना रखा है, तो ये गलत। अगेन ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो हमको इधर फेसिंग चाहिए, है ना, इधर फेसिंग चाहिए, जो 3 में है, जो 4 में है, 2 में गलत बना रखा है। अब मैं अगर कलरिंग की बात करूं, तो ये वाला अगर शीशे के पास सबसे पहले है, तो इधर से जाते हुए भी सबसे पहले इस तरफ डार्क होना चाहिए, दैट इज ये वे में है, इसमें यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं है तो ये गलत, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में फिगर हमको कंप्लीट करनी है, अगेन रोटेशन अलाउड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने, तो ये एक पत्ती इधर, एक लाइन इधर और एक तारा इधर, तो ये लाइन पत्ती तारा सिंपली ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है ना, मेंसुरेशन में। और वैसे वैसे भी आप ये पत्ती का एरिया निकाल निकाल के थक गए होंगे, हैं कि ये साइड ए है तो 4/7 a² कुछ ऐसे निकालते हो ना, तो देख लो कि आप पे आपको रीजनिंग में भी वो सेम लीफ दिख गई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, 6 गर्ल जे के एल ए बी सी आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। चलो, तो पहले तो एक स्क्वायर टेबल बनाते हैं, नेबर ऑफ सी बताने हैं हमको इसमें कौन है, ठीक है। अगेन स्क्वायर टेबल है, थोड़ा रेक्टेंगल ही बन जाता है, बट कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, है ना। फेसिंग द सेंटर, 4 गर्ल्स आर सिटिंग इन द कॉर्नर, 4 लड़कियां कॉर्नर पे बैठी है ना, और 2 लड़कियों में से प्रत्येक ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर पे है, तो एक अगर हम इस तरफ ले लें तो दूसरी इस तरफ कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एल एंड सी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एल तो कभी भी सी का नेबर नहीं हो सकता, है ना, तो अगर मैं सी भैया को यहाँ पे लूँ तो एल भैया इधर आ जाएंगे, क्या ये क्लियर हुआ। एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी, तो बस सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया, इससे ज्यादा तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एल अगर ए और बी कौन सा कहाँ पे है मुझे नहीं पता, है ना, एल के नेबर ए और बी है, ठीक है, तो सी के नेबर बेटा ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर एल तो उसके सामने बैठा था, 2 ही बचे जे और के, तो इसका आंसर जे और के ही होगा ना, कौन सा कहाँ बैठा है वो फर्क ही नहीं है, हमको तो पड़ोसी बताना है, एकदम दाएं वाला नहीं बताना, एकदम बाएं वाला नहीं बताना कि दाएं पे कौन बैठा है, हमें तो ये बैठा है, दोनों बता दो दाएं बाएं वाले, तो वो कौन सा कहाँ बैठा है उसका फर्क ही नहीं है, तो इससे यह हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया बताना कि इसका आंसर जी एंड के होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4th आज होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है, अगेन इतना मुश्किल सवाल नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लेना, आगे हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मोस्ट प्रोबेबली तबे तो और बेटर से पूरी एनर्जी से वापस रिज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से ट्राई करो प्लीज, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, एंड कुछ भी फीडबैक है और जो इसका आंसर है वो कमेंट में प्लीज बताइएगा, मैं लुक फॉरवर्ड हमेशा करता हूँ, चाहे वो एक बच्चे का हो या 100 बच्चों के हो, जो भी कमेंट, जो भी फीडबैक वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल वेट रहेगा, जो भी बच्चे एक क्लास को एंड तक देख रहे हैं तो वहाँ पे अपना एक वैल्यूबल कॉमेंट जरूर ड्रॉप करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।